हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और यह स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में अराउंड आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में इस स्टॉक में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक में कैंडल स्टिक भी देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 61 रुपए 70 पैसे। 61 रुपए 70 पैसे इस स्टॉक में एक हाई बॉटम लगाने के बाद में ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक का नीचे का देखें तो एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 48 रुपए। 48 रुपए इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक 48 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है तो इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 43 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 65 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में 47 रुपए 40 पैसे के शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 50 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।